की हुई है। माँ, इसने जानबूझकर पैरों में मेहंदी लगाई ताकि आपके साथ मछली बेचने ना जाना पड़े। ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ लगाऊंगी तो दांत बाहर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो, मैं अकेली ही जा रही हूँ। लौट कर आऊँ तो घर का सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए, वरना दोनों की पिटाई करूँगी। प्रेमलता मछली बेचने निकल पड़ी। मछली वाली, मछली ले लो, ताजा विटामिन से भरपूर मछलियाँ ले लो। प्रेमलता जब रोड पार कर रही थी तो अचानक एक कार प्रेमलता से टकराई। प्रेमलता का एक्सीडेंट हो गया। माँ, ये क्या हो गया? काश मैं आपके साथ मछली बेचने चली गई होती। हमें माफ कर दो माँ। रो मत बेटियों, अब पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी और अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को एक एक जादुई मंगलसूत्र देती हूँ। जादुई मंगलसूत्र? जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए उससे किसी तरह ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवा लेना, फिर वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मानसी और ज्योति की माँ दोनों को एक एक मंगलसूत्र देकर मर गई। मानसी और ज्योति जादुई मंगलसूत्र लेकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। ज्योति ने मानसी से कहा, मानसी तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और मैं पश्चिम की ओर जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं जाना चाहती। कहाँ मैं दूध जैसी गोरी और कहाँ तू कढ़ाई जैसी काली। ठीक है। मानसी पूर्व दिशा में चलती रही। तेज धूप और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगे। उसने देखा कि एक लड़का खेत में काम कर रहा है। सुनो। लड़का अपने थैले से पानी की बोतल निकालकर मानसी को देता है। मानसी को वह किसान लड़का पसंद आ जाता है। वह ईमानदारी से लड़के को जादुई मंगलसूत्र के बारे में सब कुछ बता देती है। इस मंगलसूत्र को जब तुम मुझे पहनाओगे तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। इस जादुई मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे ही विवाह कर लेते हैं। मानसी उस लड़के के साथ विवाह करके अपने घर लौट आती है। उधर ज्योति पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। सब गरीब लड़के मिल रहे हैं, मुझे तो कोई अमीर लड़का चाहिए। बस एक बार कोई अमीर लड़का मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दे, फिर उससे ढेर सारी दौलत मंगवाऊंगी और ढेर सारा काम भी करवाऊंगी। रामनगर के एक बहुत बड़े सोना व्यापारी का बेटा बाजार में आया हुआ था। ये तो सोना व्यापारी सेठ हीरालाल का लड़का राहुल लगता है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे बस किसी तरह जादुई मंगलसूत्र उससे अपने गले में डलवाना होगा। राहुल जिस रास्ते से घर लौट रहा था, ज्योति उस रास्ते पर बेहोश होकर लेट गई। ए, उठो, तुम कौन हो और रास्ते में क्यों पड़ी हो? आज मेरी मृत्यु होने वाली है। क्या? हाँ, मुझे एक श्राप प्राप्त है जिसके तहत आज मेरी मृत्यु होनी है। मेरी जान बचाने का केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर कोई ऐसा लड़का जिसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हो मुझे ये मंगलसूत्र पहना दे तो मेरी जान बच सकती है। राहुल के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। इस मंगलसूत्र को तुम्हें पहनाने पर मेरा तुमसे विवाह तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो हमें देखे। बस तुम ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दो और फिर अपने घर चले जाओ। राहुल जैसे ही ज्योति के गले में मंगलसूत्र डालता है, वह ज्योति के वश में हो जाता है। चल गधे, मुझे गोद में ले और मेरे घर तक छोड़ कर आ। राहुल ज्योति को गोद में उठाकर उसके घर पहुंच जाता है। सुन, अपने घर जा
और ढेर सारा सोना लेकर आ। राहुल अपने घर से ढेर सारा सोना ज्योति को लाकर दे देता है। मुझे भूख लग रही है, अब खाना बना और मेरे कपड़े भी धो। ज्योति राहुल से रोजाना सोना मंगवाती और उससे गुलामों की तरह काम करवाती। ज्योति, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। माँ ने मना किया था ना कि जादुई मंगलसूत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तू चुप कर, तू अपने काम से काम रख। ज्योति ने मानसी की नहीं मानी और राहुल से खूब सोना चांदी और आभूषण मंगवाती रही। एक दिन राहुल के घर की नौकर ने सारी बातें राहुल के पिता को बताई। मालिक, छोटे साहब पता नहीं रोजाना ढेर सारा सोना चांदी कहाँ ले जाते हैं, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। राहुल के पिता ने एक दिन नौकर को राहुल के पीछे लगा दिया। नौकर ने पूरे दिन राहुल की दिनचर्या का अवलोकन किया और सारी बात जाकर राहुल के पिता को बताई। मालिक, छोटे साहब के ऊपर किसी लड़की ने काला जादू कर दिया है, वो उस लड़की के इशारों पर काम कर रहे हैं। व्यापारी ज्योति की शिकायत राजा से कर देता है। ज्योति को काले जादू के आरोप में पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, क्या मैंने मानसी की बात ही मान ली होती तो मुझे जेल में नहीं सड़ना पड़ता। मुझे माफ कर देना माँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मानसी अपना सब कुछ गिरवी रखकर जुर्माना चुकाती है और ज्योति को जेल से मुक्त कराती है। तो तुमने क्या सबक सीखा ज्योति? किसी भी अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत दूर देश की बात है, एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की दो बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ, मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ, अब हम किसके सहारे जिएंगे। दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में दो पोटलियां और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में दो पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना, क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो एक हीरे के बदले तुम्हें चार हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं।
जब वे कुछ दूर पहुंची, तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं, तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें 1 हीरा दूंगी, तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से एक एक हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था, अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता, ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल, हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए, उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौट कर नहीं आता। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए, लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने एक हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी, वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।